हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं कर रही हूँ पूजा और आज है अष्टमी। तो आज के दिन मेरा व्रत होता, बट मैंने नहीं रखा है व्रत, जैसे कि आप सबको मालूम ही है। तो आज जो है ना, मतलब अष्टमी है, तो बहुत से लोग आज अष्टमी भी करेंगे और नवमी भी करेंगे। हम नवमी करेंगे। तो आरना जो है ना, मैंने उसको रेडी कर दिया है, क्योंकि रात को मेरे पास मैसेज भी आ गया था कि आरना को भेज देना। तो मैं उसको भेजूंगी और वो जाएगी 24 फ्लोर पर। तो रेडी हो चुकी है और बाहर बैठी हुई है। तो मैं अभी बस पूजा करके मैं जाती हूँ सीधा किचन में, और मेरा जो घर का काम है वो पूरा सारा हो चुका है। तो एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली है, और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मुझे 9th मंथ जो है ना लग गया है। तो 9th मंथ का दूसरा दिन है वो चल रहा है। तो मैंने कल से ही ना, मतलब बहुत सी चीज़ें जो है ना नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो मैंने शुरू कर दी है, जैसे कि बैठ के पोंछा लगाना। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई ज़रूर है, बट कोई नहीं, अब आदत डालनी पड़ेगी मुझे। और मैं बीच बीच में, जैसे आपके साथ मैंने कभी शेयर नहीं किया है, बट मैं बीच बीच में जैसे कभी किचन में से लगा लिया थोड़ा सा बैठ के, तो मैं ऐसे कर रही थी। बट अब जो है ना प्रॉपरली पूरे घर में लगा रही हूँ। और साथ में जो है ना, मैं क्या क्या भी क्या खा रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो आरना जो है ना कंचे खाने गई थी, वो आ गई है। तो ये है उसका सामान जो भी उसको मिला है। और बच्चे कहीं जाते हैं, जैसे 2-3 घर जाते हैं, थोड़ा बहुत खा कर आते हैं, तो फिर उनका ना पेट भर जाता है, क्योंकि एक जगह जाकर वही सब देखते हैं ना। तो थोड़ा बहुत उनको लगता है कि अब नहीं खाना। तो मैं उसको कह रही थी कि आरना खा लो, तो कह रही थी कि मम्मा मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। तो वो अभी बैठी हुई है बाहर, एक जगह और जाना है उसको, तो वो वहाँ भी जाएगी। अच्छा, मेरी जो चाय है वो भी बन चुकी है, और दूध जो है मैं अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि दूध जो है ना आज लेट आया है, तो मैंने गर्म करा है, काफ़ी अभी गर्म है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तब मैं जो है दूध पीऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आपके जो आपको कह रही थी ना कि मैंने खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, सॉरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कि मैं क्या खा रही हूँ जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाए। तो मैं दूध जो है ना, दूध में 2 चम्मच के करीब मैं घी डाल रही हूँ, क्योंकि वो चिकनाई से भी ना बच्चा आसानी से जल्दी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं पहले गर्म पानी से तो खैर मैं नहा ही रही थी, बट अब थोड़ा सा और मैंने गर्म पानी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हाथ पैरों में ना थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। और ये ठीक भी है कि थोड़ा सा ना, मतलब हम अपने बॉडी पे थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे तो हमारी बॉडी को ना थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो ये जो चीज़ें थी ना सारी, ये मुझे डॉक्टर ने बताया था, तो मैं वही ही फॉलो कर रही हूँ, और कुछ उनसे पूछे बगैर मैं कुछ करती नहीं हूँ, जो भी वो बोलती हैं वैसे ही करती हूँ मैं। और मैंने उनको बोला भी था कि मेरी कमर में भी पेन हो रहा है, क्योंकि मैंने कल बात की थी उनसे, तो उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बताई थी। आज मैंने की है वो वाली एक्सरसाइज, बट मुझसे हुई नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए तो थोड़ा सा लेट के करना था। तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है थोड़ा सा। मैंने मतलब उन्होंने मुझसे बोला है कि जब भी आप बैठो तभी आप स्टार्ट कर दो, या लेटो तो तभी स्टार्ट कर दो, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और ये इस टाइम पर होता ही है, उन्होंने बोला था कि होता है, बट ऐसे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि जब भी कोई लगे कि हाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी में आना है। तो ये सब उन्होंने बोल दिया है। और देखिए, मैं अभी बैठकर पोंछा लगा कर आई हूँ, क्योंकि सुबह लगा चुकी थी और हमने भी नाश्ता किया था ना, तो थोड़ा सा चाय जो थी वो गिर गई थी, इसलिए तो मैं भी बैठ के पोंछा लगा के आई हूँ। और मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब मैंने दूध में घी डाल दिया है, और मैंने आरने के टाइम पर तो मैंने ये बहुत ज़्यादा पिया है, तो बहुत ही ज़्यादा पिया है मैंने। और पता है घी डालकर ना पिया नहीं जाता है, बट कोई बात नहीं, इस टाइम पर पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब भी प्रेग्नेंट हो और 9th मंथ लग गया है आपको, तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब आप दूध में घी डालकर आप पी लीजिए, तो बहुत सही रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ठीक रहता है ये। और दूध में केसर डाल के भी आप पी सकते हो, बट मैं नहीं पी रही हूँ, क्योंकि केसर जो था ना मैंने स्टार्टिंग में लिया था, और उससे ना मेरे फेस पर ना दाने भी हो गए थे। और मैंने फिर डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने फिर केसर के लिए मना कर दिया था, क्योंकि केसर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। आरना के टाइम पर तो मैंने बहुत पिया है, तो कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई आरना के टाइम पर, बट अभी मुझे हो रही थी, इसलिए जो है ना मैंने बंद कर दिया। और आरना ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो शाम का ही टाइम हो रहा है, और ये दोनों खेल रहे हैं अपना। तो मेरे जो शाम के काम है वो मैं अपना ख़त्म कर रही हूँ। चावल नहीं बनेंगे ना, कौन सी बनाऊँ? Thank you.
तो मेरी बन रही है चाय और अपने हस्बैंड को कह रही थी आज की आज हल्का खा लेते हैं, दाल दाल रोटी खा लेते हैं क्योंकि पेट ना हैवी हैवी हो गया है। कल भी हमने वो भंडारा खाया, आज भी भंडारा खाया, तो उस वजह से पेट थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा है। और कल है नौमी, तो हम नौमी करते हैं, तो उसका जो सामान है जो भी देना है और पूजा का सामान जो है ना वो मेरे हस्बैंड लेकर आए। 1.5 घंटे से बाहर थे और अब आए हैं, तो उनके लिए चाय बनाई, उनको भूख लगी है, चाय बनाई है। मुझे कल सुबह भी जल्दी उठना है, कल मुझे थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि पूजा करनी है और बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आप क्या कहते हैं, वैसे पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि अनाउंसमेंट की थी, अनाउंसमेंट बोल रही, हाँ क्या हो गया, डांट पड़ गई, आने को डांट पड़ गई, कुछ कर रही होगी, हो गया ना ठीक, कोई बात नहीं, डांट तो पड़ती रहती है, आना वो डांट पड़ गई है ना, इसलिए तो कू कर रही है। चलो हमारी चाय बन गई, हम चाय पीते हैं और आना को थोड़ा सा पढ़ाना भी है, आज थोड़ा कम पड़ी है आज। तो अभी जाती हूँ चाय लेकर, चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। और दोपहर में ना मैंने पूड़ियाँ खाई थी क्योंकि नीचे भंडारा चल रहा है, तो उससे ना पेट भी थोड़ा सा ना गड़बड़ा भी गया था मेरा और थोड़ा सा हैवी भी लग रहा था, तो मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ दोपहर में खाया नहीं था। और अब मुझे भूख लग रही है, तो बस मैं एक ब्रेड लूँगी और थोड़ी सी चाय लूँगी। आरना को मैंने कैल्शियम दी है अभी, क्योंकि कैल्शियम जो है ना बच्चों के लिए ठीक रहती है, और मैं उसको जो कैल्शियम दे रही हूँ वो मैं उसको जब 4 महीने की थी ना मैं तब से ही देती हुई आ रही हूँ, तो बच्चों के लिए ठीक रहती है कैल्शियम। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने रख दी थी दाल बनाने के लिए, तो सिंपली मैंने आज जो है ना दाल बनाई है, उसमें तड़का लगाया था घी का, और मैं घी भी बहुत ज़्यादा ले रही हूँ इस टाइम पर। अब मैं ज़्यादा ले रही हूँ, जब से 9th मंथ मुझे लगा है तब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही घी खा रही हूँ, और ठीक है ये घी क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना इसलिए, और कोई सब हर कोई चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि सीजेरियन में क्या होता है ना, एक तो खैर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये है कि आगे चल के ना वो जो इंजेक्शन जिसको बोलते हैं जो हमारी कमर पे लगाया जाता है, वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए ना वो दर्द ही देता है। तो हर कोई चाहता है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो, तो मैं भी वही चाहती हूँ। और मैं फिर अकेली भी हूँ घर में, तो फिर सारी चीज़ें जो है ना फिर मुझे ही देखनी है। अगर मुझे मैं अगर सीजेरियन करवाती भी हूँ तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उसके लिए 1-1.5 महीना आराम ही चाहिए, और आराम तो मैं नहीं कर सकती कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुझे मैं अकेले ही करने वाली हूँ ना इसलिए। और फिर आरना छोटी है तो वो स्कूल है उसका और उसके एग्ज़ाम आ रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सारी देखनी पड़ती है। तो इसलिए जो ना मैं चाहती हूँ कि बस अच्छे से डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर सुबह का ही टाइम है और आज है नौमी, तो मैं जल्दी उठी हूँ और बाहर थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट जो है ना मैं आराम से अपना टहलूँगी, और टहलना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो यहाँ जाकर फिर सीधा मैं जाऊँगी रूम में और पहले झाड़ू वगैरह सारी लगाकर और पोछा लगाकर ये सारे काम करने के बाद जब फिर मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने में ना थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है, और हमें ना जितना भी हो सके, अच्छा ये जो मैं कर रही हूँ ना ये वाली एक्सरसाइज ये मुझसे हो नहीं रही है, मैंने बैठ के भी करने की बहुत कोशिश की थी तब भी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे को ना एक तो मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है, तो शायद उसकी वजह से जो है ना मेरे पेट पर जोर पड़ रहा था, तो जो है ना वो वाली मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, और जितना हो पाया था मैंने उतना ही किया है, और मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप एक एक्सरसाइज होती है आप वो भी कर सकते हो, तो वो आपके पैरों के लिए बिल्कुल ठीक है, तो वो भी मैंने की थी। और ना मैं पता है साथ साथ में ना मैं भजन भी सुन रही हूँ, जैसा कि आपको मालूम ही है, तो मैं ना गाती भी हूँ, और ना ये अच्छा भी है क्योंकि हमारी जो जो हमारे अंदर जो बेबी है ना वो हमारी आवाज़ पहचानता है, तो इससे क्या होता है ना कि हम जो भी जैसे कुछ भजन गा रहे हैं या कोई हम पाठ पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे के लिए भी ठीक रहता है। अच्छा आरना बहुत बातें करती हैं बेबी से, तो वो कहती है कि एक तो उसने नाम भी गोलू रखा हुआ है, तो बात करेगी कि गोलू कुछ खाना है, गोलू मैं ये कर रही हूँ, गोलू मैं वो कर रही हूँ, तो वो ऐसे करती है। और मैं बस थोड़ा सा मैं बैठकर अपना ध्यान लगा रही थी क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए।
तो मैंने जो उसका सामान है ना पूजा का, वो सब मैंने तैयार कर लिया है। पूजा भी हो चुकी है तो अब मैं बस चाय, जो दूध है वो मैं अब उबालने के लिए रख रही हूँ। साथ में जो है मैंने दूध पी लिया है क्योंकि दूध रखा हुआ था। और अपना व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मुझे फिर अभी कंचिकाई भी जमानी है और साथ में जो मुझे वीडियो को एडिट भी करना है। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।